हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में, जिसका नाम है लव इन माथेरान। विराज का दिल टूट चुका था। मित्रा किसी और से शादी कर चुकी थी। वो निराश था, मित्रा को भुला नहीं पा रहा था। किट्टू से विराज की ये दुर्दशा नहीं देखी जा रही थी। किट्टू मित्रा और विराज दोनों की ही फ्रेंड थी। विराज को मित्रा से मिलाने में उसका बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन उनके रिश्ते को टूटते देख जैसे उसका दिल टूटा जा रहा था। उससे ज्यादा अधिक विराज को कोई नहीं समझ सकता था। विराज को इस दुख से उबारना बहुत ही जरूरी था। आखिर में किट्टू ने रणनीति बनाई और बाकी दोस्तों संग एक ट्रिप प्लान की, कहीं और नहीं बल्कि अपने ही फार्म हाउस में। उसके फार्म हाउस से थोड़ी दूर पर एक ट्रैकिंग पॉइंट था और एक सिद्ध मंदिर भी। वो जगह थी माथेरान। प्लान ये था कि पहले पहुंच कर रात फार्म हाउस में रेस्ट करेंगे और दूसरे दिन ट्रैकिंग पर जाएंगे, और आते वक्त टॉय ट्रेन से फिर बाय रोड वापस आ जाएंगे। जब वो सब वहां पहुंचे तो रात भर बारिश होती रही और सुबह उठे तब भी बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश में ट्रैकिंग पर जाना इम्पॉसिबल था। टॉय ट्रेन तो रेलवे वालों ने ही स्थगित कर दी थी। अब तो बस फार्म हाउस में ही अटके पड़े थे, लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं था। छत से दूर दूर तक के नजारे देखे जा सकते थे। इस कोहरे का के धुएं में वो बादलों जैसा प्रतीत हो रहा था। हर दिशा में हरियाली ही हरियाली दिख रही थी। इंद्रधनुष भी निकल आया था आकाश में और साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। पहाड़ों की चोटी चमक रही थी और ऐसा लग रहा था कि साक्षात देवलोक पहुंच गए हैं। उस पर बारिश की छमछम और बादलों की गर्जन, बिजली की जलती बुझती डिस्को लाइट्स, पवन की सनसन और झरनों की कलकल। ऐसा लग रहा था जैसे कि सारी पृथ्वी रॉक कॉन्सर्ट कर रही थी। बस फिर क्या था, किट्टू ने अपनी पायल पहन इस मधुर संगीत में वो मोरनी की तरह झूमने लगी। सारे फ्रेंड्स एक के बाद एक किट्टू की ताल से ताल मिलाते हुए नृत्य करने लगे। विराज अपने दोस्तों को खुश होता देख जैसे अपने सारे गम भूल गया था। उस बारिश में उसके दर्द को जैसे धो दिया था। आखिर में विराज भी बाकियों की खुशी में शामिल हो हर्षोल्लास से झूमने लगा। इस हिल स्टेशन ने तो डॉक्टर बनकर विराज के घावों का उपचार कर दिया था। दूसरे दिन सारे बादल हट गए और सूर्य की किरणें नील गगन में स्मिता फैला रही थी। सुबह किट्टू ने विराज को समझाया, दिल तो हर किसी का टूटता है कभी ना कभी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दुखी हो जाएं। हमारे आसपास बहुत लोग हैं जो हमें चाहते हैं। इतना ज्यादा सेंटी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दे से टाइम हील्स बिगेस्ट वूंड्स, समय गहरे से गहरे घाव को भर देता है। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम टेंशन मत लेना। मुझे पता है तुम इतनी जल्दी किसी और को स्वीकार नहीं कर सकते, पर याद रखना कि तुम्हारे ये दोस्त किट्टू, शी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। किट्टू जैसे सारा प्रवचन देकर चली गई। विराज को तो बोलने का मौका ही नहीं मिला। विराज सिर्फ ये कहना चाहता था कि वो उबर चुका था इस दर्द से और नई शुरुआत करने के लिए तैयार था। खिली धूप देख
आज सबने ट्रैकिंग का फिर से प्लान बनाया, लेकिन बाद में ये गलत फैसला साबित हुआ। मिट्टी अभी भी चिकनी थी और रास्ता कठिन। किट्टू फिसलकर एक डगर पर जा गिरी। बाकी दोस्त सोच ही रहे थे कि कैसे उसे बचाया जाए कि तब तक विराज बिना कुछ सोचे समझे खुद फिसलकर किट्टू के पास पहुंच गया। तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? विराज ने चिंतित होकर पूछा। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा दर्द हो रहा है घुटनों में, किट्टू ने कहा। विराज ने उसे उठने में सहायता की और फिर दोस्तों ने एक रस्सी बांधकर फेंकी। विराज ने किट्टू और अपने आप को उस रस्सी में बांधा और किट्टू को अपने कंधों पर उठाकर ऊपर की ओर चढ़ाई कर पहुंच गया। भगवान की कृपा से दोनों सुरक्षित पहुंच गए। बाल बाल बचे थे दोनों। तुमने अपनी जान संकट में क्यों डाली? मुझे बचाते बचाते तुम्हें कुछ हो जाता तो, किट्टू ने विराज से पूछा। मुझे पता है ये ट्रिप तुमने मेरे लिए प्लान की है, विराज ने कहा। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं तुम्हें मुश्किल में कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं एक बार अपना प्यार खो चुका हूँ, दूसरी बार बहुत नसीब वालों को प्यार मिलता है। मैं दूसरी बार अपना प्यार खोने की गलती नहीं कर सकता। ये सुनकर किट्टू के आंखों में आंसू आ गए। विराज ने बहुत मनाया उससे, लेकिन किट्टू के आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, किट्टू ने रोते रोते शिकायत की। विराज ने कहा, तुमने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। तुम बोलती हो तो बोलती जाती हो, रोती हो तो चुप ही नहीं होती हो, और प्यार करती हो तो इतना कि पत्थर भी पिघल जाए, तो मैं किस खेत की मूली हूं? किट्टू ने रोना बंद किया और शाम ढलते ढलते दोनों एक दूसरे की बाह पकड़ वापस लौटे। विराज ने किट्टू से प्रॉमिस किया कि हनीमून के लिए वो लोग माथेरान ही आएंगे और तब वो उस टॉय ट्रेन में जरूर चलेंगे। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई हो। सुनने के लिए धन्यवाद।